हेलो दोस्तों, नमस्कार। उजाला उद्दीक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो है दोस्तों, जब हम सिलाई करते हैं तो हमारी जो हम जब कैंची चलाते हैं तो हमारे हाथों में ये डाट सी पड़ जाती है। दोस्तों, शायद आप लोगों के भी पड़ती होगी, क्योंकि सिलाई करने से क्या होता है, जब हम कैंची चलाते हैं रोज़ाना कैंची पर डे चलाते हैं तो डाट सी पड़ जाती है। तो हम क्या उपाय करें जो कि हमारी डाट ना पड़े। दोस्तों, डाट अच्छी नहीं लगती है देखने में, देख सकते हैं दोस्तों हमारे उंगली में डाट है, लेकिन अब धीरे धीरे ये ठीक हो रही। दोस्तों, यहाँ पे भी डाट पड़ जाती थी, यहाँ पे दाग से आ जाते थे अगर हम कैंची चलाते हैं तो। दोस्तों, अब हम क्या करें ताकि हमारे हाथों में डाट ना पड़े। दोस्तों, अच्छा नहीं लगता है देखने में। दोस्तों, एक हाथ मेरा एकदम सही है, एकदम उंगली वगैरह सब सही है, लेकिन जो सीधा हाथ है जिससे हम कैंची चलाते हैं वही हाथ मेरा दाग हो जाते हैं, मोटी मोटी गांठें सी यहाँ पे पड़ जाती हैं। दोस्तों, आपके भी पड़ती होंगी, क्योंकि जो भी सिलाई का काम करता है, जो भी टेलर है, तो उसके निश्चित पड़ जाती हैं। कोई यानी कि जो ज़्यादा सालों से काम कर रहा है उसकी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब कभी कभी अगर आप कैंची चलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए आप ठीक हैं, लेकिन अगर आप लगातार अगर काम कर रहे हैं सिलाई का तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों, ये हमारी कैंची है, कैंची रोज़ाना हम चलाते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें क्या करें, कैंची में कुछ ऐसा चेंजिंग हम करेंगे, चेंजिंग करके आपको दिखाएंगे ताकि हमारी डाट बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी भाई माताएं बहनें जो भी वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए दिखाते हैं क्या करना है हमें। दोस्तों, ये हमारी कैंची है, तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम जब चलाते हैं तो ऐसे करके चलाते हैं कैंची को, तो हमारे यहाँ पे ये देखिए ये दाग ऐसे पड़ गए, और ये यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे लगी रहती है, तो यहाँ पे भी मोटी सी यहाँ पे गांठ पड़ गई है। तो दोस्तों, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक कपड़ा लेंगे, कोई भी सूती कपड़ा आप ले सकते हैं दोस्तों, जैसा हमने यहाँ पे बांधा है। दोस्तों, वैसे आप सूती कपड़ा अगर बांधेंगे ऐसे करके, आप इसे लपेट लेंगे यहाँ पे, जिस जिस जगह पे मेरी उंगली टच होती हो वहाँ वहाँ आप ऐसे करके कपड़े को बांध लेंगे, तो हमारी ये डाट वाली प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, देख सकते हैं, इस तरीके से आप बांध लें, आराम से लपेट लें। तो दोस्तों, इस तरीके से हम कपड़े को बांध लेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कैंची एकदम सही हो जाएगी और हमें फिर काटेगी नहीं, उंगली में मेरे काट लेती है कैंची, बस काट लेती है, तो वह डांट पड़ना एक ही बात है। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमने इसी तरीके से ये वाली भी कैंची एकदम सही की है। तो दोस्तों आज का मेरा यही वीडियो था दोस्तों, सबसे खास और खास सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद दोस्तों।